धीरे बोलते और दादा कर जब बोलते बहुत डांट के बोलते। नहीं 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 मैं कभी किसी को नहीं डांटता हूँ, मेरी आवाज जरा ऊंचा है, मेरी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। मैं कभी किसी को ना, मैं गुस्से होता हूँ कभी, कश्मीर का सवाल आता है तो हो जाता हूँ, बाकी गुस्से नहीं होता। सोमवार को लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दंड प्रक्रिया विधेयक 2022 पेश किया। इस दौरान टीएमसी की तरफ से टिप्पणी की गई कि अमित शाह कभी दादा शब्द का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि जब शाह दादा बोलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे वो किसी को डांट रहे हों। इस बात का जवाब गृह मंत्री अमित शाह ने मुस्कुराते हुए दिया। उन्होंने कहा, नहीं 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 मैं कभी किसी को नहीं डांटता हूँ, मेरी आवाज जरा ऊंचा है, मेरी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। मैं कभी किसी को ना, मैं गुस्से होता हूँ कभी, कश्मीर का सवाल आता है तो हो जाता हूँ, बाकी गुस्से नहीं होता। लोकसभा में अमित शाह ने टीएमसी को दिए जवाब को आपने सुन ही लिया, तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिरकार गृह मंत्री अमित शाह को कश्मीर के मुद्दे पर गुस्सा क्यों आता है। कश्मीर के कई नेता पाकिस्तान की भाषा पहले भी बोला करते थे और आज भी बोलते हैं। हुर्रियत जैसे संगठन के लोगों को तो पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठनों से भारत में बढ़ावा देने के लिए करोड़ों रुपए की फंडिंग होती रही है। ये लोग भारत में रहकर पाकिस्तान का गुणगान करते हैं। किसी आतंकी को जब भारतीय सेना मार गिराती है तो मातम इन लोगों के घरों में मनता है। तो वहीं क्रिकेट में भारत की हार का जश्न और पाकिस्तान की हार पर ये लोग आंसू बहाते हैं। गृह मंत्री अमित शाह को गुस्सा आता है कश्मीर में धारा 370 का समर्थन करने वाले जयचंदों पर, गुस्सा आता है भारतीय सेना के वीर सपूतों पर पत्थर बरसाने वाले पाकिस्तानी एजेंटों पर, गुस्सा आता है 90 के दशक के उस दौर को याद कर जब कश्मीरी पंडितों की बहन बेटियों की आबरू से सरेआम खेला जा रहा था। अमित शाह को गुस्सा उस मंजर को याद कर आता है जब कश्मीरी पंडितों को पलायन के लिए मजबूर किया गया। अमित शाह क्या किसी भी देशभक्त का इन बातों पर खून न खोले या उनको गुस्सा न आए, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता।